सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी कहानी नहीं, एक मंत्र है। मानसिक तनाव से मुक्त होकर जीने का अचूक मंत्र। इसका नाम है हमारी यात्रा बहुत छोटी है। एक महिला एक बस में चढ़ी। एक आदमी के बगल में बैठने के क्रम में उसे अपने बैग से कई बार मार दिया। पुरुष चुप रहा तो महिला ने उससे पूछा कि जब उसने उसे अपने बैग से मारा तो उसने शिकायत क्यों नहीं की। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतनी महत्वहीन बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एक साथ की यात्रा बहुत छोटी है। मैं अगले पड़ाव पर उतर रहा हूँ। इस जवाब ने महिला को इतना परेशान किया कि उसने उस आदमी से उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना की और सोचा कि इन शब्दों को तो सोने के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हम में से प्रत्येक को यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा समय इतना कम है कि इसे बेकार तर्कों, ईर्ष्या, दूसरों को क्षमा न करने, असंतोष और बुरे व्यवहार के साथ व्यर्थ करना समय और ऊर्जा की एक हास्यास्पद बर्बादी है। क्या किसी ने आपका दिल तोड़ा? शांत रहो, यात्रा बहुत छोटी है। क्या किसी ने आपको धोखा दिया, धमकाया या अपमानित किया? आराम करें, तनावग्रस्त न हो, यात्रा बहुत छोटी है। क्या किसी ने बिना वजह आपका अपमान किया? शांत रहो, इसे नज़रअंदाज करो, यात्रा बहुत छोटी है। क्या किसी ने ऐसी टिप्पणी की जो आपको पसंद नहीं आई? शांत रहें, नज़रअंदाज करें, क्षमा करें, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में रखें और बिना किसी कारण के उन्हें अभी भी प्यार करें, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। कुछ लोग जो भी समस्याएं हमारे सामने लाते हैं, वह समस्या तभी होती है जब हम उस पर विचार करें। याद रखें कि हमारी एक साथ यात्रा बहुत छोटी है। हमारी यात्रा कितनी लंबी है यह कोई नहीं जानता। कल किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता कि हम अपने पड़ाव पर अचानक कब पहुंच जाएं। हमारी एक साथ यात्रा बहुत छोटी है। आइए हम दोस्तों और परिवार की सराहना करें, उन्हें अच्छे हास्य में रखें, उनका सम्मान करें। आइए हम उनको आदरणीय भाव दें। हम स्वयं दयालु, प्रेममय और क्षमाशील बनें। हम वास्तव में कृतज्ञता और आनंद से भर जाएंगे। आखिरकार हमारी एक साथ यात्रा बहुत छोटी है। हर किसी के साथ अपनी मुस्कान साझा करें, अपना रास्ता चुनें कि आप जितना सुंदर बनना चाहते हैं उतना ही सुंदर बने। हमारी यात्रा बहुत छोटी है। थैंक यू।